हाय गाइस, वेलकम बैक, यू आर ऑन माय चैनल हियर इसके तंगवाल फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। सो यार, आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से यार मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज यार कॉलेजेस के एग्जाम्स थे। नाउ एग्जाम्स गॉट कंप्लीटेड, अब वीडियोस रेगुलर रहने वाली यार चैनल पे। सो प्लीज आप अपडेटेड रहना चैनल को। फर्स्ट टाइम आया यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल के बारे में शेयर करना। हम लोग यार काफी सारी वीडियोज ऐसी बना चुके हैं जो कि जेईई एस्पायरेंट्स, ट्वेल्थ स्टडिंग स्टूडेंट, इलेवंथ में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यार हम लोग काफी सारी सपोर्टिव वीडियोज देख चुके हैं और यार काफी सारे कॉलेजेस रिव्यू हम लोग कर चुके हैं। और आज की वीडियो में भी यार अगेन मैं कॉलेज रिव्यू करने वाला हूँ, जिस कॉलेज का मैं कॉलेज रिव्यू करने वाला हूँ दैट इज एनआईटी श्रीनगर। दैट इज वेरी स्पेशल कॉलेज फॉर मी यार, बिकॉज करंटली मैं एनआईटी श्रीनगर में स्टडी कर रहा हूँ, मेरे 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ दिस इज थर्ड ईयर। सो यार काफी चीजें ऐसी है जो कि यार अदर यूट्यूबर जो कि यार करंटली उस कॉलेज में नहीं है वो उतने अच्छे से उस चीज को नहीं बता पाए। एनआईटी श्रीनगर के बारे में जो एक स्टूडेंट जो वहाँ पे स्टडी कर रहा है उससे बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता है। सो यार अकॉर्डिंग टू मी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ और यार जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जरूर आज की वीडियो में शेयर करूँ। सो यार अगर आप लोग कुछ भी इसके अलावा भी पूछना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, सो यार आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके यार आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आप लोगों को लेके चलते हैं एनआईटी श्रीनगर के कॉलेज रिव्यू की तरफ। सो यार विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यार आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ एनआईटी श्रीनगर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रैंकिंग रहती है, कब स्टैब्लिश किया गया था, कितनी ब्रांचेज है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, हॉस्टल किस तरह के, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, लाइब्रेरीज किस टाइप की, आपके क्लासरूम्स किस टाइप के, आपके प्रोफेसर्स किस टाइप के, यार सब कुछ हम आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट यार एनआईटी श्रीनगर एक ऐसी जगह पे है जो कि यार एनआईटी श्रीनगर के बारे में डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट कश्मीर। सर कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जिसको हेवन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, बट रेदर देन दैट यार काफ़ी स्टूडेंट यार वहाँ एडमिशन लेने से डरते हैं। दैट वेरी ट्रू यार, आप लोग न्यूज़ में देखते हैं कि ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया वहाँ पे। सो यार इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि आपको एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट यार आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊँ सर, इट्स वेरी सेफ टू टेक एडमिशन इन एनआईटी श्रीनगर। जैसे यार आपको लगता है कि वहाँ पे आज ये अटैक हो गया, आज ये हो गया, 370 हट गया, ऐसा कुछ टाइप का आपको लगता है, सो यार वो कॉलेज से सब कुछ बाहर है, कॉलेज टोटली सिक्योर है यार, कॉलेज में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट को कुछ हुआ है, सर ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आती है। सो यार इट्स वेरी सेफ टू टेक एडमिशन इन एनआईटी श्रीनगर, तो बहुत ही पास कनेक्टिविटी भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यार सब कुछ बहुत अच्छा है एनआईटी श्रीनगर में, आप डेफिनेटली अगर आपको मिलती है तो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी यार सब चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले, रेदर देन दैट यार कश्मीर की ब्यूटी अगर मैं डायरेक्टली आपको कॉलेज के बारे में बता करके अगर वीडियो को एंड कर दूँ दैट इज़ नॉट ट्रू यार, कश्मीर बहुत अच्छा प्लेस है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द एनआईटी श्रीनगर कॉलेज रिव्यू। तो सबसे पहले यार अगर हम लोग, आप लोग देख सकते हैं मैप में कि किस टाइप से बहुत बड़ा सा एक एरिया एनआईटी श्रीनगर ने कवर कर रखा है, बहुत बड़ा कैंपस है यार एनआईटी श्रीनगर का, अप्रॉक्सीमेटली 100 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है, बहुत ही शानदार कैंपस है। उसके बाद में यार हम लोग कुछ अच्छी विजिटिंग प्लेसेस जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करें, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि मस्क डियर और हिमालयन ब्राउन एंड ब्लैक बियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यार। तो अगर आपको जरूर अगर मौका मिलता है तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए, इफ़ यू लव एनिमल एंड नेचर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विजिटिंग प्लेसेज इन कश्मीर, डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। पैटनी टॉप जो कि यार आप लोग देख पा रहे हैं व्यू ही इतना शानदार है, तो वहाँ जाने पर जो फीलिंग आने वाली है ना दैट इज अनबिलीवेबल, प्राइसलेस, जो कि यार आपको कहीं और नहीं मिल सकती, बिकॉज हेवन तो इन पूरे अर्थ पे एक है दैट इज कश्मीर। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें वैष्णो देवी जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोग विजिट कर चुके होंगे, नहीं किया है तो विजिट करने का मौका मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। उसके अलावा यार आपको काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि वैष्णो देवी में करने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको जरूर विजिट करना चाहिए। 3 इडियट्स लोकेशन जो कि लेह है जो कि आप लोग को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग गुलमर्ग, गुलमर्ग यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, मैं चाहता हूँ डेफिनेटली वहाँ पे एक बार विजिट करना, बिकॉज काफ़ी फेमस बताते हैं गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इज़ द 2 प्लेसेस जो कि कॉलेज से भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो डेफिनेटली यार चाहेंगे कि एक बार जरूर जितने टाइम में जो 4 साल का अपने को टाइम पीरियड मिला है उसमें डेफिनेटली कॉलेज लाइफ में इस चीज़ को जरूर विजिट किया जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस सोनमर्ग, ये भी बहुत अच्छा एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है कश्मीर में, सो डेफिनेटली आई वांट टू विजिट दिस प्लेस एंड डेफिनेटली आई आल्सो वांट कि आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आपको जरूर ये विजिटिंग प्लेसेस में विजिट
करना चाहिए। सो यार डेफिनेटली आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जब ये विजिटिंग प्लेसेस को देख रहे हैं तो आपको जरूर लगेगा कि यार डेफिनेटली मुझे भी बार कॉलेज मिलना चाहिए NIT श्रीनगर, और मुझे भी ये सब विजिटिंग प्लेसेस में जाना चाहिए। बट रैदर देन दैट यार 2 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं NIT श्रीनगर में, बट रैदर देन दैट 1 साल पूरा घर पे निकल गया बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन। तो डेफिनेटली आई होप कि जो बहुत जल्द कॉलेज ओपन होगा और हम लोग ये विजिटिंग प्लेसेस और कॉलेज लाइफ को बहुत जल्दी इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज हजरतबल दरगाह, जो कि आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर में बहुत ही एक अच्छा दरगाह है। मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ हजरतबल दरगाह। सो नेक्स्ट थिंग यार अब इंपॉर्टेंट कुछ बातें बात कर लें अगर NIT श्रीनगर से रिलेटेड डायरेक्टली, तो NIT श्रीनगर की अगर रैंकिंग की अगर बात करें तो टॉप 200 कॉलेजेस में आता है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी अगर बात करें तो 200 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है NIT श्रीनगर अमंग ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया। इस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 1960 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हो चुका था, पर पहले एक रीजनल कॉलेज था NIT श्रीनगर, ये बाद में NIT में कन्वर्ट हुआ है। इट्स एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आप में से सभी लोग जानते हैं। कोर्सेज ऑफर की अगर बात करोगे तो यार काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं NIT श्रीनगर में। फर्स्ट इज BTech, दैट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, MTech, MSc, MBA, MH, PhD एंड MPhil, दिस आर द कोर्सेज ऑफर्ड इन NIT श्रीनगर। मोर्स ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले यार आपको एक 12th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, देन आफ्टर आपके जे मेन्स का एग्जाम होता है। जे मेन्स के एग्जाम की स्कोर के बेसिस पे फिर आपकी काउंसलिंग होती है, दैट इज जोसा काउंसलिंग और CSAB काउंसलिंग। जोसा या CSAB काउंसलिंग के थ्रू फिर आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपको ब्रांचेस काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे अलॉट की जाती है। नेक्स्ट थिंग अगर ब्रांचेस की अगर बात करोगे तो यार बहुत ही कन्फाइंड ब्रांचेज है, और जो मतलब एक बेसिक ब्रांचेज होती है सभी कॉलेज में वो सारी ब्रांचेज आपको NIT श्रीनगर में मिल जाती है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। तो दिस आर द बेसिक ब्रांचेज जो कि आपको हर कॉलेज में मिल जाएगी, और यही एक ब्रांचेज अवेलेबल है NIT श्रीनगर में। कैंपस एरिया की अगर बात करें तो 100 एकड़ का यार कंप्लीट कैंपस एरिया, दैट इज ऑफ 100 एकर्स, बहुत बड़ा कैंपस है यार, मतलब एक बार में आप पूरा राउंड नहीं लगा सकते, वन टाइम में आप पूरा कॉलेज विजिट नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा कैंपस है। एंड रेदर देन दैट यार अगर बात करें NIT श्रीनगर के मीन्स कैंपस की डायरेक्टली अगर हम लोग, तो एक कैंपस का टूर में कैंपस टूर का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है वीडियो को, मीन्स दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन माई चैनल, सो आप डेफिनेटली उसको भी विजिट कर सकते हो, आपको डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो NIT श्रीनगर का कैंपस अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, बिकॉज कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जो कि अभी रिनोवेशन में, कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जो कि अभी बहुत अच्छे और बहुत नए बने, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि अभी नए बन रहे, कुछ ऐसी नई बिल्डिंग्स है जो कि बन रही है। NIT श्रीनगर का गेट रिसेंटली अभी बन के कम्प्लीट हुआ है, सो यार अभी डेवलपिंग स्टेज में है, काफ़ी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है, और वैसे भी टॉप 10 कॉलेजेस में आता है अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी। NIT श्रीनगर इज इन द टॉप 10 अमॉन्ग द ब्यूटी। नेक्स्ट थिंग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यार आपको 12th में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप जनरल या फिर OBC या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो, देन यू हैव टू स्कोर 75% मार्क्स इन योर 12th क्लास, चाहे अगर आप स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो। रेदर देन दैट अगर आप लोग ST, SC या PWD या फिर किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो इन दैट केस यू हैव टू स्कोर 65% मार्क्स इन योर 10+2 एग्जाम। अगर आपके बोर्ड में 20% का सिस्टम है, तो अगर आपको 75% मार्क्स नहीं आ पाते तो आप अगर चेक करें, अगर आप टॉप 20% में आते हैं, देन आफ्टर दैट ऑल यू आर एलिजिबल फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट थिंग अगर फीस की बात करें NIT श्रीनगर में, सो यार फीस एक बहुत ही जनरल फीस है जो कि किसी भी NIT कॉलेजेस में होती है, वही सेम फीस यहाँ पे NIT श्रीनगर में होती है। 72,000 rupees आपकी पर सेमेस्टर की ट्यूशन फीस है, जो कि लगभग सभी NIT कॉलेजेस में सेम है। रेदर देन दैट अगर हॉस्टल फीस की अगर बात करें, तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल के लिए 7,000 rupees चार्ज किया गया था, बिकॉज जो हॉस्टल है फर्स्ट ईयर के लिए वो थोड़े से एडवांस, थोड़े से अच्छे हॉस्टल से प्री फैब्रिकेटेड हॉस्टल है, जो कि एक बहुत अच्छा सा टेम्परेचर गैप मेंटेन करते हैं बाहर और अंदर में, मतलब आप हॉस्टल के बाहर हो तो टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, तो हॉस्टल के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो यार बहुत अच्छे से हॉस्टल नए बनाए गए हैं, सो इस कारण से वहाँ पे 7,000 rupees आपके हॉस्टल चार्जेस हैं। सेकेंड ईयर में हॉस्टल आपका चेंज हो जाता है, दैट इज इंदस हॉस्टल, जो कि हम लोग आगे चल के वीडियो में बात करने वाले हैं, उस हॉस्टल की थोड़ी सी प्राइस कम है, दैट इज़ 3,000 rupees, और थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए इस तरह से वेरी करती रहती है, बट मैक्सिमम फीस हॉस्टल के लिए 7,000 होती है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए थी। मैथ चार्जेस की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 rupees यार आपको हर सेमेस्टर में मैथ चार्जेस पड़ जाता है। सो टोटल ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 87,000 rupees आपको टोटल ट्यूशन फी पे करना पड़ता, टोटल फीस आपको पे करनी पड़ती है, जिसमें आपका हॉस्टल और मैथ भी इंक्लूड हो जाता है, 87,000 फॉर पर सेमेस्टर।
नेक्स्ट थिंग, अगर फी कंसेशन की अगर बात करें तो यार फी कंसेशन सेम है जैसा कि बाकी एनआईटी कॉलेजेस में होता है। अगर आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के बीच में है, देन यू हैव टू पे ओनली 1/3 ऑफ योर टोटल ट्यूशन फीस। 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस में आपको कंसेशन मिल जाता है, तो सिर्फ आपको 1/3 टोटल ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है। 100% आपको फी वेवर मिल जाता है अगर आप एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो 100% फी कंसेशन आपको तब भी मिल सकता है अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, बट आपकी फैमिली इनकम मतलब जितने भी आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर हैं उन सभी अर्निंग मेंबर्स की अगर एनुअल इनकम अगर 1 लाख से बिलो है, इन दैट केस आपको 100% फी कंसेशन मिल जाता है ट्यूशन फीस में। सो यार अगर आप काफ़ी स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि यार चलो 5 लाख से कम हो जाए या 1 लाख से कम हो जाए, तो यार वहाँ पे काफ़ी सारी फीस स्टूडेंट बचा लेते हैं इस तरह से। रेदर देन दैट आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप की चांसेस मिलते हैं, तो वहाँ पे आप लोग वो भी ग्रैस्प कर सकते हो। पैकेज हाइलाइट्स की अगर बात करें सो सभी कॉलेजेस के लिए या फिर सभी स्टूडेंट को सबसे पहले चाहिए होता है पैकेज हाईलाइट, बिकॉज पैकेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके आते हैं कोचिंग टाइम में या फिर एक सेफ अपने फ्यूचर के लिए, सबसे पहले पैकेज सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जरूरी हर स्टूडेंट अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जाए, जरूरी हर स्टूडेंट अपने बिजनेस में जाए। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि और उनको एक सेफ सिक्योर जॉब मिल जाए, सो उन स्टूडेंट्स के लिए यार पैकेज हाईलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार हाइएस्ट सी टी सी की अगर बात करें तो 22 लाख पर एनम का हाइएस्ट सी टी सी था, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हाइएस्ट सी टी सी किसी ईसी के स्टूडेंट का या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट का होगा। नहीं, ये मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट ने हाईएस्ट पैकेज दिया है, दैट इज 22 लाख रुपीज़ पर एनम। एवरेज सीटीसी की अगर बात करें तो 8 लाख रुपीज़ पर एनम एवरेज सीटीसी रहा है। अगर सीएससी ब्रांच का मीन्स सिर्फ अगर सीएससी ब्रांच की अगर बात करें एवरेज पैकेज की, तो दैट इज 13 लाख रुपीज़ पर एनम। ये सारे लेटेस्ट डाटा यार, कोई भी पुराना डाटा नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ कंप्लीट एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन है जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60-70% स्टूडेंट प्लेस होते हैं कॉलेज में। जितने स्टूडेंट ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया था उसमें से 50-60 या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम 70% स्टूडेंट प्लेस हो पाए थे लास्ट ईयर। सो प्लेसमेंट रेशियो की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एवरेज पैकेज इज क्वाइट गुड। एनआईटी के अकॉर्डिंग एवरेज पैकेज बहुत ही अच्छा है कॉलेज का। हॉस्टल्स की अगर बात करें यार, तो हॉस्टल्स यार बहुत ज़्यादा भी रिनोवेट हो रहे हैं कॉलेज में, बहुत अच्छे से हॉस्टल्स को रिनोवेट किया जा रहा है, सभी तरह की फैसिलिटीज़ उनमें डाली जा रही है। सो बनने वाली या फिर आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है पूरे कैंपस में और उनके हॉस्टल में। सर टोटल 11 हॉस्टल्स हैं कॉलेज में, जिसमें से 2 हॉस्टल्स सेपरेटली गर्ल्स के लिए हैं, जहाँ पे आपकी पीएचडी एमटेक सभी तरह की गर्ल्स को वहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। 2 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए हैं और उनमें से जो बचे हुए 9 हॉस्टल है दैट इज फॉर बॉयज। आगे चल के हम लोग हॉस्टल के नेम और कौन सा हॉस्टल कौन से ईयर के स्टूडेंट को दिया गया है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए 3 हॉस्टल हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं कौन से हॉस्टल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हॉस्टल नेम्स की अगर बात करें तो इंदस हॉस्टल है, चेनाब हॉस्टल है, तवी हॉस्टल है, मानसर, मानसबल, झेलम हॉस्टल है, झेलम एक्सटेंशन है, डल हॉस्टल है। जो इंदस हॉस्टल है दैट इज़ फॉर सेकेंड ईयर, तवी हॉस्टल, चेनाब हॉस्टल ये हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मानसर, मानसबल और जो झेलम एक्सटेंशन है, दिस 3 हॉस्टल्स आर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। झेलम हॉस्टल इज़ फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट और डल हॉस्टल में यार कुछ 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और रिनोवेशन के कारण कुछ 1st ईयर के स्टूडेंट को भी डल हॉस्टल में डाला गया है। सो डल हॉस्टल इज फॉर डल एंड झेलम हॉस्टल इज स्पेशली फॉर 4th ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग, अगर बात करें हॉस्टल्स में आपको किस तरह की फैसिलिटी मिलती है यार एनआईटी श्रीनगर में, तो यार कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बताई हुई है, बट जो मैंने वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखी या फिर जिन फैसिलिटीज़ को मैंने यूज़ किया है, सिर्फ उन फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज वही ट्रू है। सर आपको हर रूम में आपका सेपरेट बेड मिलता है, आपकी अपनी टेबल होती है, चेयर होती है, अलमीरा होती है, फिल्टर्ड वाटर आपको मिलता है एनी टाइम पे। आपको रूम में हर रूम में 4 लैन कनेक्शन है, मींस हर स्टूडेंट के लिए एक लैन कनेक्शन अवेलेबल है जो कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है कॉलेज में। हॉट वाटर की फैसिलिटी है फॉर बाथ एंड फॉर ड्रिंक, दोनों के लिए आपको हॉट वाटर मिल जाता है। मैस हर हॉस्टल के लिए सेपरेट मैस होती है, और जिस हॉस्टल में मैं भी करंटली हूँ एनआईटी श्रीनगर में, उस हॉस्टल में मैस एकदम अटैच्ड है हॉस्टल से, और काफ़ी सारे हॉस्टल्स ऐसे एनआईटी श्रीनगर में जिसमें हॉस्टल के साथ मैस एकदम अटैच्ड है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होती है फॉर योर मील्स। बहुत अच्छे तरह की आपको फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मिलती है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कम्प्लीट फैसिलिटीज़ और आपको अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में अवेलेबल करवाई जाती है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैस फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो मैस फैसिलिटीज़ में सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती है, बिकॉज
किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यार, जो कि नेशनल या फिर अपने आईआईटी कॉलेज है, उन सभी स्टूडेंट वहाँ पे सभी यार 28-29 स्टेट से स्टूडेंट आते हैं। तो यार वहाँ पे कुछ वेज एनवायरनमेंट भी होता है, कुछ नॉन वेज एनवायरनमेंट भी होता है। सो यार इसके लिए वहाँ पे सेपरेट टाइम है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि वेजिटेरियन है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि सेपरेट टाइम होता है वेज और नॉन वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल फूड आइटम आपको अवेलेबल करवाती है, स्पेशल मील मिलती है आपको जब कोई स्पेशल ओकेजन या फिर कोई फेस्टिवल होता है कॉलेज में। इवनिंग में आपको स्नैक्स मिलते हैं, टी के साथ में कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं। रेदर देन दैट, सबसे अच्छी फैसिलिटी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी मेस आपके हॉस्टल के साथ में ही अटैच है। एंड द नेक्स्ट लास्ट थिंग इज दैट हाइजीनिक फूड, फूड बहुत हाइजीनिक है, आपको हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी एनआईटी श्रीनगर में। नेक्स्ट थिंग, अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो यार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है और बहुत कम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी नहीं है। आपके लिए बहुत इनफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है, दैट इज़ बैडमिंटन कोर्ट आपको मिल जाता है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी है, रनिंग ट्रैक जो भी करंटली बन रहे हैं, बास्केटबॉल है, चेस है, कैरम है। उसके अलावा भी यार काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते रहते हैं, जैसे मैराथन हो गया या फिर कुछ भी ऐसा इवेंट्स कॉलेजेस में चलते रहते हैं। बट व्हाट आई सेड कि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने कॉलेज में स्पेंड नहीं किया ड्यू टू द लॉकडाउन, सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने मिस कर दी और मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग वो सब चीज़ें मिस करो। नेक्स्ट थिंग, अगर लाइब्रेरीज़ की अगर बात करें एनआईटी श्रीनगर में, सो यार लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर किया था, उसके बाद में एडमिशन होने के बाद में यार काफ़ी जगह पे मैंने कॉलेज के काफ़ी पार्ट को विजिट किया, तो सबसे अच्छा पार्ट मुझे कॉलेज का लगा दैट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है एनआईटी श्रीनगर की, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी वहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको सारी फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, गुड स्पीड इंटरनेट वहाँ पे रहता है। रेदर देन दैट, वहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। वहाँ पे एक सेपरेट रूम है जहाँ पे यार आप अपनी सेपरेट स्टडीज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर वहाँ पे रेगुलर अवेलेबल होते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। रेदर देन दैट, जो फर्स्ट फ्लोर है लाइब्रेरी का, वहाँ पे छोटे छोटे सेपरेट कैबिन बने हुए हैं, वहाँ सेपरेट कैबिन्स में आप लोग अपनी सेपरेट स्टडी इंडिविजुअली आप लोग स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सारे कंप्यूटर अवेलेबल हैं, अगर आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है तो आप लोग कॉलेज के कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हो लाइब्रेरी में बैठ करके। सो यार काफ़ी सारी बेसिक और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको लाइब्रेरी में मिलती है। मोर एंड द टाइमिंग्स की अगर बात करें तो यार 8 AM to 12 PM लाइब्रेरी का टाइम है, जो कि यार थोड़ा सा मतलब ठीक है, कुछ कॉलेजेस में 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन रहती है, बट यहाँ पे 8 AM to 12 PM तक लाइब्रेरी ओपन रहती है। वही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा किया गया है। एंड गर्ल्स के लिए दैट दिस टाइम इज लास्ट 6 PM तक उन्हें अपने हॉस्टल्स में जाना रहता है। अप्रॉक्सीमेटली यार कॉलेज में 75,000 बुक्स अवेलेबल हैं आपके लाइब्रेरी में। रेदर देन दैट, आपको यार ई बुक्स की भी फैसिलिटीज़ कॉलेज में मिल जाती है। सो लाइब्रेरी की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। नोटेबल एल्यूमिनीज की अगर बात करें यार, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एनआईटी श्रीनगर से निकले हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपनी लाइफ में, सबसे पहले सोनम बैंक, जो मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को देख रहे हो सब लोग जानते हैं यार। सुभाष कक है, विजय वैष्णव है, मंसूरी अली खान है, देवो दानिश जाफरी है, नरेंद्र कुमार गुप्ता है, इन सब लोग आप देख सकते हैं करेंटली सब लोग क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे पैमाने पर काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं अपनी लाइफ में एनआईटी श्रीनगर से निकलने के बाद में। सो यार आपको नोटेबल एलुमनीज दिखाने का सिर्फ यही कारण रहता है कि किसी भी कॉलेज में आप लोग जाएंगे वहाँ पे कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मुझे IIT मिला है, NIT मिला है, कौन सी रैंक वाली कॉलेज मिली है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रह करके एक बहुत अच्छे काम पे, एक आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो पहुँच चुके हैं। सो यार यही शो करना था आपको नोटेबल एलुमनीज को दिखा करके। रेदर देन दैट यार काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं वहाँ पे, टेक्निकल फेस्ट होता है, एक वेगांजा नाम से टेक्निकल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि कॉलेज में होती है। बट रेदर देन दैट, ड्यू टू लॉकडाउन आई नॉट एक्सपीरियंस मैनी ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे एक्सपीरियंस करनी थी कॉलेज जा करके। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे शेयर करनी चाहिए थी और मैं वीडियो में शेयर नहीं किया, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कोई भी आपको टॉपिक जो इस टॉपिक पर आप लोग डिस्कस करना चाहते हो कि जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, उसके लिए भी यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और यार अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।